सबसे पहले आप लोगों को एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता रहेगा। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट कर लेना है। उसके बाद अपना आप डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 10/5, ठीक है, और 2020, ठीक है, तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको पासवर्ड अपना पुट करना है, तो आपका जो भी पासवर्ड है यहाँ पे आपको डालना रहेगा। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है उसको आपको यहाँ पे भरना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने जो पेज आएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं, फोटो वगैरह सब अपलोड हो गया है। समस्या कहाँ पे आ रही है, आय और जात को प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, तो आपका फोटो भी अपलोड हो चुका है, यहाँ से आवेदन को संशोधित भी किया जा सकता है। तो आपको यहाँ इन सब में से कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आय और जात वाले पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज आ जाएगा। पेज आएगा तो वहाँ पे देखिए आपको ये लिखा रहेगा, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक। तो आपको यहाँ पे क्रमांक फिल कर देना है। तो जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा तो उसमें सबसे ऊपर देखिए फॉर्म संख्या लिखा रहेगा, तो सबसे ऊपर जो लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक को यहाँ पे लिख लेना है, दो नंबर दिए गए होंगे दोनों पे लिखना है। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, फिर सबमिट कर देना है। तो आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि आय प्रमाण पत्र से मिलान सफल हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र का उसी तरह से यहाँ पे फॉर्म संख्या भरेंगे, जात प्रमाण पत्र का क्रमांक भरेंगे। अब यहाँ पे आपके जात प्रमाण पत्र पे सब कास्ट लिखी होगी, जैसे आप यादव होंगे तो अहिर लिखा होगा, ठीक है, और अनुसूचित जाति होंगे तो उसमें जो भी होंगे आप वो लिखा होगा। तो यहाँ पे आप उसको फिल कर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट करके फिर उसके बाद इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। तो आपका यहाँ से जात प्रमाण पत्र भी वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, जैसे ही आपका ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाएगा कि ये प्रमाणीकृत हो चुका है, ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आ रही है कि आधार सर्वर बिजी जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो आप यहाँ पे आधार नंबर अपना डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा, तो पूरा आपका डिटेल दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है, फिर उसके बाद आधार सेम टू सेम वही आधार नंबर दोबारा डालें। तो दोबारा आपको आधार नंबर फिर से यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद इस कोड को यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, और ओटीपी नहीं जा रहा है, बार बार वो दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अब लिख के आ गया प्रमाणीकरण सफल, है ना, प्रमाणीकरण सफल। फिर भी ऐसा तो लिख के आया बट ओटीपी तो अभी आया ही नहीं, तो फिर से आपके सामने वही पेज दिख गया। तो आपको यहाँ पे फिर से आधार नंबर डालना है, फिर से यहाँ पे आधार नंबर डालना है और टिक करना है। टिक करने के बाद इस आधार संख्या को आपको यहाँ पे फिल करना है, फिल करने के बाद उसको वेरीफाई कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिर जब उसको डाल देंगे तो आपका यहाँ पे सफल आएगा, सफल हो जाएगा। ओटीपी डालने का ऑप्शन कुछ इधर ही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा आधार। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा वहाँ पे क्लियर दिखाने लगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसका कर रहा था तो यहाँ पे दिखा रहा था कि आधार सर्वर बिजी है, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो आप लोग रात में कोशिश करिएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद आपका जो पूरा वहाँ पे कॉलम दिखा रहा था तो वो सब पूरा आपको कंप्लीट दिखा देगा। और दिखाने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, जांच हेतु संस्था के लिए प्रिंट लिखा रहेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसको प्रिंट करा के संस्था में चेक करा लेना है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। मतलब आपको आधार वेरीफाई करना है, फिर जांच हेतु संस्था के लिए प्रिंट करना है, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए ठीक है, बस आई होप आप लोग अपना आधार वेरिफिकेशन अपने से कर सकते हैं।